मध्य प्रदेश में तो छोड़ो, पूरे देश में युवाओं की हालत इतनी खराब है कि उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। आज किसान का बेटा पढ़ लिख कर इतना आगे जा चुका है, लेकिन उसके लिए नौकरी नहीं है सरकार की। जब मोदी सरकार जब 2014 में चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने बोला था 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल हम देंगे, लेकिन नौकरियाँ छोड़ो, जो मिल रही है नौकरियाँ उनको भी सरकार ने हटा दी गई है। और युवा आज इतना परेशान हो गया है कि मेरे गाँव की बात करता हूँ तो पढ़े लिखे डिग्रीधारी इंजीनियर लोग मिस्त्री के साथ में मजदूरी करते हैं 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये में। सबसे ज़्यादा आत्महत्या युवा इसी कारण कर रहा है। पेपर लीक तो एक सरकार की सोची समझी साजिश होती है। बड़े बड़े लोगों की, जो भी बिजनेसमैन लोग होते हैं, करोड़पति लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, मंत्री विधायक, इन लोगों के जो रिश्तेदार होते हैं उन्हीं के लिए ये पेपर लीक किया जाता है, ताकि एग्ज़ाम ना हो, अच्छा ग्रेजुएट लड़का परीक्षा ना दे सके। फिलहाल तो युवाओं की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही है। शुरू से देखते आ रहे हैं, राहुल गांधी युवाओं के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। डरो मत, सहो मत, न्याय का हक मिलने तक।